सियासत में जब खटपट शोर बनकर सुनाई देने लगे तो फिर मुलाकात महज औपचारिक नहीं रहती, बल्कि उसके कई सियासी मायने भी होते हैं और उन मायनों में भी कई सियासत छुपी होती है। इन दिनों लखनऊ से लेकर दिल्ली के बीच भाजपा में जमकर अंदरूनी खटपट का शोर सुनाई दे रहा है। बैठक और मुलाकातों का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में 27 घंटों में कई मैराथन बैठकें की। योगी ने तकरार की खबरों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद देर शाम पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच भी मीटिंग हुई। यानी शुक्रवार के दिन जमकर खिचड़ी पकी और इसमें जितिन प्रसाद और एकी शर्मा का भी तड़का लगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं। दिल्ली से सीएम योगी अपने साथ में यूपी की जीत के प्लान का ब्लूप्रिंट लिए लखनऊ पहुंचे। दो दिनों तक दिल्ली में भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ अपने आवास पहुंचे। सीएम आवास पर अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। रीता बहुगुणा जोशी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंची। लेकिन चर्चाएं अब भी दिल्ली के गलियारों में हुई बैठकों को लेकर चल रही है। कहा जा रहा था कि एके शर्मा के साथ साथ जितिन प्रसाद भी डिप्टी सीएम के रेस में थे, लेकिन इन सब के बीच जो बात निकल कर बाहर आई वो कि योगी को किसी भी सूरत में जितिन प्रसाद या एके शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाना मंजूर नहीं है। लिहाजा ऐसे में तय हुआ कि जितिन प्रसाद और एके शर्मा को फिलहाल मंत्री पद देकर संतुष्ट किया जा सकता है। इन बातों को इसलिए भी बल मिलता है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच जातीय समीकरणों को साधने में जुटा है। साल 2022 के चुनाव को देखते हुए पार्टी यूपी में सर्जरी कर रही है, लेकिन इस दौरे के बाद साफ हो गया है कि अब लखनऊ में पत्ता हिलेगा तो दिल्ली को इसकी खबर होगी, क्योंकि इन मुलाकातों के बाद योगी का ये ट्वीट इसी ओर इशारा करता है। सियासी पंडितों का कहना है कि अगर योगी भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की तरह कह देते हैं कि पार्टी आलाकमान से उनको जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे तो बात नहीं बिगड़ती। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ पार्टी आलाकमान की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। योगी का न कोई मजबूत सामाजिक आधार है और न ही योगी ने कभी अलग लड़कर अपनी ताकत दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।